ये तो गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, तो संडे सुबह सुबह उठना पड़ गया आज, तो सोचा रेस्ट करेंगे। बट आज कुछ अच्छा है जो हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो एक ना एनजीओ है ड्रीम फाउंडेशन के नाम से, जिससे मेरी बातचीत है काफ़ी टाइम से, तो उनको इस बार हम लोगों ने सैपलिंग्स प्रोवाइड करे ट्रीज़ के। तो मैं, प्रदीप एंड आशीष जा रहे हैं इस बार वहाँ पे। तो हमने सोचा है खुद ही प्लांटेशन करेंगे इस बार जाके। अदरवाइज़ मैं क्या करता था, मैं ना ट्रीज़ के सैपलिंग्स प्रोवाइड करता था हम लोगों को। मैं खुद नहीं जाता था, मैं लोगों को प्रोवाइड करता था। तो बट इस बार हम लोगों ने सोचा यार कि जाके खुद करते अच्छा काम है, ऐसे काम में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, खुद से करोगे ज़्यादा मज़ा आता है करने में। जाते हैं। और एक और चीज़ अच्छी है, आज साइकिलिंग करेंगे हम बहुत सालों के बाद। तो मैं, प्रदीप, आशीष जा रहे हैं साइकिलिंग करने। तो देखते हैं यार आगे कैसे कैसे करते हैं हम घर से आज हमारी सवारी देखिए, आज दूसरी सवारी है जहाँ पे। बहुत सालों के बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ आज, और बहुत सालों के बाद मैं सुबह सुबह कॉलेज में घूम रहा हूँ। तो भाई ये तो अपनी जान है, यहाँ आके ना मतलब अपने जो पुराने जख्म होते हैं ना वो हम कुरेते हर बार आके। एंड जो इतना सही है यार, सुबह सुबह ड्रिल चल रही है। ये है अपनी चैटवुड बिल्डिंग, इसको मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी बेसिकली। ये तो जो ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी के, वो यहाँ पे मतलब प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो दो एंट्रीज होती है, एक होता है ओटीए एंड एक होता है IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हम लोग बहुत अच्छी जगह रहते हैं यार यहाँ पे, मतलब IMA हमारे जगह, हमारे देहरादून में IMA है। असेंबलिंग पॉइंट में बट भाई लोग नहीं है। एंड यार गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी, मैं ना कैप लाना भूल गया जल्दी जल्दी में। अभी तो ठीक है बट वापस आते टाइम ना यार बुरे हाल हो जाएंगे आज गर्मी से। और सच में यार मतलब ना मैं ना जब रनिंग करता था लगता साइकिलिंग ईजी है ना, भाई ऐसा बिल्कुल ना है। साइकिलिंग भी भाई उतनी टफ है जितनी रनिंग है। मतलब ये देखो भाई की साइकिल देखो, पहले बहुत अच्छी साइकिल है भाई की। मतलब भाई ने मुझे गिफ्ट कर दिया है उसने, कहो भाई से लगाया ना भाई साइकिल दे दे यार, भाई भाई साइकिल दे दे। जब हम छोटे थे ना तो हम बोलते थे भाई बाइक दे दे, भाई स्कूटी दे दे। हम बड़े हो गए ना, हम बोलते भाई साइकिल दे दे यार अपनी। तो बस वेट कर रहा हूँ, इन लोगों को आ रहे होंगे एंड हम चल रहे हैं घूमने के लिए। बढ़िया, अभी से इनका देखिए, अभी से इनका देखिए पेट देखिए देखिए। ओ भाई भाई, तो अभी तो हालत ख़राब हो रही है हम लोग बट काफ़ी मज़ा आ रहा है, मज़ा काफ़ी। देखो एक भाई तो मेरे साइकिल बिना हवा के आ गया, हवा नहीं है उसकी साइकिल में और उसकी इतनी एनर्जी बर्न कर रहा है अपनी। मैंने सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, जंगल है पूरा। एंड देहरादून ना ऐसी हुआ करता था करीबन करीबन पहले, बट देहरादून की ना ड्यूटी ख़त्म हो गई है। तो भाई एक ही टास्क लेंगे, टास्क ले रखा हम लोगों ने कि देखते हैं कितना ज़्यादा हम इसको रिकवर करते हैं इन द कमिंग ईयर्स। जितना ये ग्राफिक आ रहा हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर, तो ये पूरे जंगल था, जंगल कटा, हॉस्पिटल तैयार। एंड आने वाले 4-5 साल में देखो कि ये जंगल गायब हो जाएगा। मेरा पार्ट टाइम जॉब है एक, ये वैसे तो बैंक मैनेजर है बट भाई पार्ट टाइम पंचर भी लगवाते हैं इनका कट गया, नहीं कटा भाई। भैया 30 कर दो। हालत पूरी ख़राब है इस समय, तो हल्के वल्के मजाक मजाक में इतना दूर आ गए, अब सोच रहे कि बस से घर जाया जाए। भाई एक चीज़ तो है, इतना बजे हमने वर्कआउट कर दिया ना भाई, वर्थ है। हमने टाइम से मतलब सोच रहा हूँ कि रोज जाऊँगा रनिंग करने। हमारी आदत क्या होती है, अलार्म स्नूज करो और सोचो। आज बहुत टाइम का मतलब कुछ वर्कआउट हुआ, हैवी वर्कआउट, मतलब मज़ा आ गया। तो आज तो ब्रेकफास्ट करूँगा डट के। ये देखिए जा रहे हैं प्रदीप जी हमारे, और ले ली है मैंग ने लीड। और देखिए जी है अपना ड्रीम्स फाउंडेशन करके, तो यहाँ ये उन्हीं के मेम्बर्स हैं जो कि आए हैं प्लांटेशन के लिए। तो इन्होंने लास्ट इन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन करा था, बता रहे हैं, तो बता रहे प्लांटेशन इन्होंने करवाया था एंड इस बार हम प्लांटेशन करा रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे काफ़ी, मतलब मेरा तो पर्सनल मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में।
क्योंकि यार बचपन से मैं फॉरेस्ट में रहा हूँ एंड सपना था अपने देश के लिए कुछ करना। तो यार हम तो लाइक मेरा मतलब मानना है कि मैं मुश्किल से मतलब 30 ईयर्स और रहेंगे, 40 साल नहीं हार्डली, मैंने 40 ज़्यादा बोल दिया, बट ये पेड़ जो लगा रहे ना ये हम बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि जो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, उनके लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा उन लोगों के लिए। क्या नाम आपका? नाम बताते रहो अपने अपने, क्या नाम है, नाम क्या आपका? व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाइयों को भी थैंक यू बोलता हूँ, आशीष और प्रदीप को जो साथ आए इस बार, साथ में हम लोग मतलब कि सोचा था मतलब कुछ अच्छा करेंगे। एंड ये जो फाउंडेशन है मतलब फाउंडेशन स्टोन है एक तरीके एक चीज़ के लिए, जो कि आने वाले टाइम पे आपको बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं कुछ बड़ा। तो कैसा लग रहा है भाई आपको आज आके? बेहतरीन। कैसा लग रहा है अपने देश के लिए कुछ करते हो आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और एक नेचर को, नेचर ने दिया हमें, हम नेचर को। आप अपने बच्चों के, आप अपने बच्चों के लिए पेड़ लगा रहे हैं ताकि उन बच्चों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, बिल्कुल। थैंक यू भाई, आपने हमने इतना हमारे लिए इतना कुछ किया है तो आपका संडे ख़राब करा हमने उसके लिए थैंक यू। आप आए यहाँ पे एंड ये प्रदीप भाई हमारा, कैसा लग रहा है आपको, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मुझे पता है आप नगर निगम में पहले माली का काम करते थे, नगर निगम में माली है भाई, कैसा लग रहा भाई? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ऑल क्रेडिट टू यू। नहीं भाई अभी ये नोबल कॉज में जो है हम भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए, बहुत ज़रूरी है भाई ये, जो हम लोगों ने मतलब गाड़ी चलाते हैं हम लोग, जो इतना पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए काफ़ी मतलब ये भरपाई कर रहे हैं एक तरीके से। भरपाई तो, भी कुछ नहीं है तो मतलब 0.01% भी नहीं है, बिल्कुल। तो कार्बन न्यूट्रल तो कर नहीं सकते बट थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपील है कि कम से कम जो है कार्बन इनका जो है इस्तेमाल करें, एंड हो सके तो एक पेड़ अपने घर के आसपास जरूर लगाए। तो 135 मिलियन मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या हमारी, अगर आप एक भी लगा रहे हो तो सोचिए आपके लाइफ स्पैन में है ना, अगर आप 60-70 भी जी रहे हैं तो 60 पेड़ भी अगर आप इस अर्थ को देखे जाएंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी तरफ से। और ये आपके लिए नहीं रहेगा, ये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है एक, आप तो आपका तो कुछ भी नहीं है बट आपके बच्चों के लिए ये रहेगा कि उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये ना एक मतलब स्टार्टिंग है, सिर्फ स्टार्टिंग है एक नए एरा की, जो नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं प्रदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी बताना मत कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बट है कुछ मतलब आने वाले टाइम में क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, सोचा है अभी, प्लानिंग कर रहे हैं है ना, तो देखते हैं हम कुछ अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे सारे भाई अपने मिलके। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे काम काफ़ी मतलब सही लग रहा है, बहुत होगी बकैती, बहुत होगी, अपना पेड़ लगाने का टाइम आ गया। याद करके मैं 10 मीटर ट्राई करो कि 10 मीटर तो हो ही गए। तो अभी ये पूजा कर रहे हैं, पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये पेड़ लगेंगे अभी यहाँ पे। तो हाय, माली भैया आप भी कुछ कर लो, ये समय ऐसे खुलेगा और ये जो है ये भी तोड़ा जाएगा पूरा, ताकि उसके साथ वो मिक्स हो जाए, ये जो है ना इसको तोड़ेंगे ऐसे हाथ से मिट्टी को, उस मिट्टी के साथ मिल जाए वो। रितेश उधर छोड़ो, भारत के फ्यूचर हो इसलिए जीवना जरूरी है, चल गुड। Mm-hmm.
भाई ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब इतनी जगह मैंने प्लांटेशन कराया बट ये मतलब प्रॉपर मतलब पूजा करके एकदम से कर मतलब प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो सिर्फ मतलब पेड़ दिए जब भी दिए, ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ कि प्रॉपर पूजा कर रहे हैं कि हमारे पेड़ सर्वाइव करें, तो ये काफ़ी अच्छा है यार, बच्चे सीखते हैं इससे फिर आगे चल के। भाई ये पहला ट्री लग चुका है आज, तो इसमें प्रदीप का, आशीष का, हरीश का और आजाद का, इनका भी कंट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा। तो भाई थैंक यू सो मच, तुम लोग साथ में हमें हर चीज़ में खड़े होते हैं मेरे साथ। पता नहीं था हमने बहुत पेड़ मारा, और इसलिए देहरादून में जितने लोग पेड़ लगाते हैं ना 80% भाई, तो ये प्रॉपर सिखा रहे बच्चों को कि पेड़ कैसे लगाना है, काफ़ी सही है ताकि आगे चल के बच्चे भी पेड़ लगाए हर जगह। बताइए मैं भाई, थैंक यू सो मच प्रदीप, आशीष और मेरे बाकी भाई मतलब आज़ाद, नरेश जो है ना यहाँ पे, तो आप लोगों का मोटिवेशन भाई जो मतलब वर्दी नहीं पहन सके प्रदेश के काम आ रहे हैं, थैंक यू भाई, आप लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे। एंड मतलब ना ये देखो यार, ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो पिछले 3 साल से हमें पेड़ लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से पेड़ लगाए जाए, अभी तक तो हम कैंसर पेड़ लगाते थे बट हम लोग सिविल में पेड़ लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो देखते यार कितना सर्वाइव करता है पेड़ करके, देखिए अच्छा लगता है। मेन चीज़ यार कि नहीं, हम तो देखो 10 साल 12 साल 13 साल रहेंगे मुश्किल से, या 20 साल रहेंगे 30 साल रहेंगे, बट ये पेड़ लाइफ लॉन्ग रहेंगे और आगे चल के जनरेशन के लिए काम आएंगे। तो मेन चीज़ सबसे ये बोलूँगा कि यार अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, देश के लिए कुछ तो करिए, सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कुछ तो करिए ना, सोसाइटी ने हमें नेचर ने इतना कुछ दिया है, तो ये अभी वक्त है नेचर को वापस देने का। आप कमा रहे हैं किस लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे अच्छे रहें, आने वाली जनरेशन अच्छे वातावरण में रहे, तो संडे रहा प्रदीप ने, देखिए संडे को साइकिलिंग कराई हमसे, पेड़ लगवाए, मजदूरी कराई काफ़ी ना, हमने इतना अच्छा वर्कआउट करा, देखो वर्कआउट कैसे वर्कआउट करा, उसके आते ही हम लोगों ने देखो ब्रेकफास्ट में क्या करा, ये है समोसे, एंड अभी ब्रेकफास्ट नहीं, प्री ब्रेकफास्ट है, घर जाके ब्रेकफास्ट होगा। तो भाई बारिश में चाय समोसे का तो मज़ा ही अलग है। तो भाई आज ना करीबन हमने 30 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी, भाई पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, समोसे खा लिए, चाय पी लिए, बट एनर्जी ख़त्म हो गई यार, बुरे हाल हो गया सीरियसली यार, बट वर्थ है यार, बहुत मज़ा आया, मतलब इतना हैवी वर्कआउट करा मतलब मज़ा आ गया। इस रोड में ना आज तक मतलब हम कार से, बाइक से, एक्टिवा से इसी में घूम रहे थे, बट यार ये देखो मतलब ग्रीनरी देखो कितनी सही लग रही ना, मतलब जैसे बोल रहे हैं इन्जॉयमेंट वही है साइकिल में भाई, इतना मज़ा आ रहा है भी, मतलब रनिंग का मज़ा अलग है भाई, मतलब मैंने थोड़ी रनिंग भी करी आज, रनिंग का मज़ा अलग है और साइकिलिंग का अलग है। रनिंग में ना पूरा मतलब बॉडी वर्कआउट है, मतलब वो तो बेस्ट वर्कआउट है यार, इसमें क्या है ना भाई, बैठे बैठे मतलब दर्द हो रहा है यार, मतलब सच में यार ऐसा लग रहा है मसाज लेनी पड़ेगी इसके लिए, सीट इतनी अनकम्फर्टेबल है, मतलब इसकी नहीं है यार, साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 साइकिल है, मतलब प्रदीप भी लेके आया हुआ, आशीष भी लेके आया हुआ, तीनों की साइकिल भाई खतरनाक, मतलब दर्द हो रहा है, मतलब तीनों बैठ के चला ही नहीं रहे। एंड आशीष का कह रहा है भाई, आशीष का एक ही है जना जो खुश है, कह रहा है मेरा बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, भाई या तो हमारी उसकी सॉफ्ट हो गया, हमारी हार्ड होगी थोड़ी ना, ज़्यादा प्रेशर है हमारे काम में, तो बट सही है, मज़ा आया आज पूरा, मतलब दिन मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, काफ़ी मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, पॉज भी सही था वो, तो देखते हैं कंटिन्यू करेंगे साइकिलिंग को, कोशिश करेंगे कि साइकिलिंग हम कंटिन्यू रखें अपना। भाई आज मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग करी है, मतलब 40 तो नहीं, अराउंड 38 किलोमीटर आज हमने साइकिलिंग करी है, एंड हम लोग गए थे मतलब पूरा सर्किट था यहाँ से सेलाकुई, सेलाकुई से देन भाववाला, भाववाला से नीचे अटक फार्म करके वो जगह है, एंड अगेन भाववाला से मांडू वाला, प्रेमनगर एंड घर, भाई टोटल 38 किलोमीटर थे, हालत ख़राब हो गई पूरी। एंड ना सबसे बुरी चीज़ भाई साइकिल की जो सीट्स होती है ना, सबसे जो मैन्युफैक्चरर आप सबसे रिक्वेस्ट है साइकिल की सीट्स ऐसी बनाएं कि हम बैठ पाए, अभी ना बैठने में भी दर्द हो रहा भाई, तो जो भी था मतलब अच्छा था, जैसा भी था बहुत मज़ा आया, एंड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो भी हमने करा, तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के विनती आप सबसे कि आपको कभी भी मौका मिलता है, आप अपने अपने घर के पास एक एक पेड़ लगा लीजिए, वो मोर देन एनफ है, एंड हो सके तो हर साल एक बर्थडे पे अपने घर पे पेड़ लगा लीजिए आस पास में कहीं भी, एंड उस पेड़ को लगाना ज़रूरी नहीं है, उसको सर्वाइव कराना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आपने पेड़ तो लगा लिया अगले साल वो मर गया, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो अगर आप पेड़ लगा रहे हैं
तो ऐसी जगह लगाई जहाँ पे ना वो गेटेड सोसाइटी हो, या फिर कहीं से तार बाड़ रखी हो, या फिर आपका ट्री गार्ड हो, सो दैट जानवर ना खाएं। एंड आप टाइमली आपको जाके देखना पड़ेगा उसमें, आप बच्चे की तरह पालना पड़ता है पेड़ों को, तो आपको पता होना चाहिए वो पेड़ आपका सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आज हमने 100 पेड़ करीबन लगाए हम लोगों ने, ड्रीम्स फाउंडेशन करके थी संस्था है एक, तो उनको हम लोगों ने ट्रीज प्रोवाइड करे थे सैपलिंग्स, एंड हमने सोचा खुद जाके लगाते इस बार, तो काफ़ी मज़ा आया। प्रदीप एंड आशीष का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो उनको भी काफ़ी मज़ा आया, एंड वी आर फुली चार्ज कि आगे चल के इसको और अच्छे से करेंगे, डेवलप करेंगे इसको। काफ़ी सही हो रही यहाँ पे, thank you।